भारत की लोक कथाएं, किस्से उत्तर प्रदेश के। टूटा हुआ मटका। एक बार की बात है, एक छोटे से झोपड़ी में एक ब्राह्मण रहता था। वह उस दिन बटोरा हुआ चावल खुशी से खा रहा था। खूब दिल भर के खाने के बाद, जिससे एक भी अनाज का दाना बर्बाद ना हो, वह रोज चावल के सब बचे हुए दाने एक मटके में डाल देता, उस मटके को खूंटे पर लटका देता और अपनी खाट पर लेट जाता। और वह फिर बर्तन को घूरते हुए आश्चर्य करता, आह, वह बर्तन वास्तव में चावल से भरा हुआ है। इसके साथ मैं 2 बकरी खरीदूंगा और हर 6 महीने में उनके बच्चे होंगे। फिर बकरियों के साथ मैं गाय खरीदूंगा। जैसे ही गाय छोटे बछड़ों को जन्म देगी, मैं गायों के साथ भैंस खरीदूंगा। फिर मेरे पास एक पूरा झुंड होगा और फिर मैं पूरा झुंड बेचूंगा और सोने का घर खरीदूंगा। फिर एक दिन एक ब्राह्मण मेरे घर आएगा और मुझे अपनी सुंदर बेटी को दहेज के साथ देगा। जल्दी हमारा एक बेटा होगा और मैं उसका नाम सुमार समन रखूंगा। जब वे थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं उसे अपने कंधे पर उठा लूंगा। तब वो मेरे साथ शरारत करेगा और मेरे बाल खींचने की कोशिश करेगा। तब मैं अपना संतुलन खो बैठूंगा और मेरे पैर हवा में झूमने लगेंगे। जैसा वे कहते हैं, ख्याली पुलाव पकाने में आनंद तो बहुत आता है, पर हाथ कुछ नहीं आता।